अंशुमन भाई बताएंगे हम लोगों को कि डिफरेंसेस क्या क्या है पीपीएफ में और कौन सा वाला बाइक के लिए परफेक्ट रहता है। देख रहे हो क्या मैचिंग हो रही है, क्या लमेटा गोल्ड के साथ में गोल्ड गोल्ड यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ से लुक अच्छा आ रहा है। तो देखो ये वाला एक पैच लगा यहाँ पे, ये है मैट फिनिश में, ये वाला जो लगा है ये ग्लॉसी फिनिश में, तो ग्लॉसी वाला थोड़ा सा लुक जो कलर है ना इसका एनहांस कर दे रहा है। तो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज़ नदीम, आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग बेसिकली होने वाला है बाइक की पीपीएफ के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट मंथ ही BMW 850 GSA निकलवाई थी। तो BMW 850 GSA निकलवा तो ली है मैंने, अभी उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि मैंने अभी नहीं करवाया है। अलीगढ़ में अगर कुछ अच्छा ऑप्शन रहता बाइक पीपीएफ का तो मैं वहाँ से करवा के ही भेजता, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बस सिरेमिक कोटिंग अवेलेबल था। इस मंथ का खर्चा रहेगा बाइक पीपीएफ का। तो पीपीएफ में आप लोगों को आज दिखाऊंगा कि डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं, किस किस ब्रांड के आते हैं, क्या डिफरेंसेस रहता है, कैसे आप लोगों को पता लगेगा कौन सा पीपीएफ अच्छा है आपकी बाइक के लिए। देखो मतलब पीपीएफ तो अलग अलग प्राइस के आते हैं, डिपेंड करता है आप लोगों को कौन सा चाहिए, मतलब पर्पज़ के ऊपर होता है कि जैसे कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रैच लग जाए और वो सेल्फ हीलिंग वाला चाहिए, या फिर आप लोगों को शाइन है, ग्लॉस है, वो सब रिटेन रहे बाइक की, वो वाला चाहिए, या फिर आपको बाइक मतलब वाटर रिपेलेंट और डस्ट रिपेलेंट वो वाला टाइप से चाहिए, तो ये सारे अलग अलग टाइप के पीपीएफ आते हैं। तो अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ ऑटो ट्रेज में, बाइक कार डिलीवरी जितनी भी ब्लू भाई की होती है वो सारी पीपीएफ वहीं से करवाते हैं। तो अभी मेरे को भी मतलब मैंने भी फर्स्ट जो बाइक ली थी, आप लोगों को अगर याद होगा जो लोग पहले ही यूट्यूब चैनल से मेरे जुड़े हुए हैं जिन्होंने RR 310 का मेरा व्लॉग्स देखा होगा, फर्स्ट टाइम मैंने अपाचे RR 310 में सिरेमिक कोटिंग कराई थी और वो सिरेमिक कोटिंग की वीडियो इतनी अच्छी पुश हुई थी ना, मतलब वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जब मैंने कुछ मतलब बनाया नहीं था, मतलब ऐसी म्यूज़िक डाल के बना दिया था। तो अभी आप लोग अगर बाकी मॉडिफिकेशन का बात करोगे तो यार देखो मॉडिफिकेशन बाइक में बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर BMW F850 GS और F850 GSA से अगर कंपेयर करोगे ना, GSA में आप लोगों को आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई आ जाती हैं। जिस टाइम पर मैंने बुक कराई थी उस टाइम पर क्या सीन था कि कैलामेटा गोल्ड में स्पोर्ट्स वाइजर आता था, ये वाला बहुत छोटा होता था, एंड उसके साथ में जो आप लोगों का बाकी TPMS नहीं आता था पिछले 2022 मॉडल में, वो मेरे को मिल गया 2023 मॉडल में, और ये वाला वाइजर जो था वो ट्रिपल ब्लैक में आता था, वो ट्रिपल ब्लैक जैसा ही सेम चीज़ में आ गया, तो अभी ये चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है अपने। और उसके अलावा एक ऑप्शन एक चीज़ और अच्छी ऐड हुई है जो कि है एंड्यूरो चेन, तो एंड्यूरो चेन में आप लोगों को ल्यूब करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से वही चलेगी। देखो डिटेलिंग शॉप्स बैंगलोर में बहुत हैं, मतलब ये इसी रास्ते में ही पड़ जाएगी। देखो ये ऑटो डिज़ाइन वाला ये तो नहीं है, एक डिटेलिंग डेविल करके भी शॉप है यहाँ पे, आपको डिटेलिंग शॉप बहुत सारी मिल जाएंगी, प्राइस भी कम बताएंगे जो, बट वो लेवल ऑफ क्वालिटी का वर्क है ना वो मेरे को ऑटो ट्रेज में लगा, क्योंकि बाकी वाला मैंने काम देखा है कईयों ने कराया है कम प्राइस के चक्कर में, बट वो क्वालिटी नहीं आ पाती, मतलब वो फिनिशिंग जो मेरे को ऑटो ट्रेज में दिखती है ना वो चीज़ नहीं आती है। देखो आज का तो बेसिकली आप लोगों को जो डिफरेंसेस है वो बताऊंगा, एंड प्लस उसके अलावा जो मेजरमेंट रहेगा वो वाले के बारे में बताएंगे। एज यूजुअल हम लोग सारी गाड़ियाँ निकलवा के, मैं उल्लू भाई हमेशा यहीं पे पड़े रहते हैं, तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि और ये एकदम से फ्रेम में भी ले लेते हैं, रेडी भी नहीं होते और फ्रेम में आ जाते हैं। तो अभी कुछ सीन ऐसा है कि यहाँ पे अपनी बाइक आ चुकी है, एंड अंशुमन भाई बताएंगे हम लोगों को कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं पीपीएफ में और कौन सा वाला बाइक के लिए परफेक्ट रहता है। कार वाले आप लोगों ने देखे होंगे बुल्लू भाई की वीडियो में, जाके देखो कार वालों का अगर आप लोगों को पता लगाना है कि पीपीएफ कौन कौन से लग सकते हैं। बाइक में थोड़ा सा ट्रिकी रहता लगाना, क्योंकि सर्फेसिस काफ़ी ना बेंड रहते हैं, अलग अलग टाइप का पार्ट रहता है, तो उसमें जो है डिफ़िकल्टी आती है लगाने में अगर आप लो क्वालिटी वाला पीपीएफ में जाओगे। बट अभी बात करते हैं अंशुमन भाई से और बताएंगे कौन कौन सा पीपीएफ अवेलेबल है। तो अभी तो क्योंकि मैट फिनिश है नदीम, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैट फिनिश, तो यू हैव टू चॉइसेस, वी कैन गो फॉर मैट फिनिश पीपीएफ ऑन अ मैट पेंट, और या फिर हम ग्लॉसी कर सकते हैं अगर हमारे पास थोड़ा सा वो है कि हमको थोड़ा चेंज करना है ग्लॉसी लुक। सो वी विल सी अ पैच वर्क पैच डेमो हेयर, जहाँ पर यू कैन टेक अ कॉल व्हाट इज कन्विंसिंग यू विद रिस्पेक्ट टू द फिनिश। प्रोटेक्शन तो सब में आ ही जाता है, इट्स अबाउट फिनिश बिकॉज आपके पास ये स्कोप है।
ये वाला में तो इसमें तो दोनों पार्ट जो है, ये वाला भी मतलब मैट वाला है, ये भी पार्ट मैट में ही है। हाँ, so इसमें पूरा मैट ही है, एक्चुअली इसमें ग्लॉसी है ही नहीं। आपकी गाड़ी में सारा मैट फिनिश है, ये नया मॉडल है ऑब्वियसली। ट्रिपल, इसमें एक और मॉडल आता है वो ट्रिपल ब्लैक। ट्रिपल ब्लैक का क्या सीन है, वो थोड़ा सा ग्लॉसी वाला है, उसमें ग्लॉसी लग जाएगा। पीपीएफ ऑब्वियसली टैंक है, फेयरिंग हो सकता है, साइड पैनल भी हो सकता है पीपीएफ, बाकी स्कोप इज वेरी लेस बिकॉज ग्रेनी फिनिश प्लास्टिक्स है। करेक्ट, तो उसमें पीपीएफ इज नॉट एप्लीकेबल, आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल। सो वी कैन फिनिश सेरेमिक अगर if you want, we can obviously explore ceramic applications. But paint में 1, 2, 3 अगर visor चाहिए तो visor देखेंगे। visor में हम लोग tinted BPF कराएंगे, इसमें व्हाइट वाला करा के कुछ फायदा नहीं, थोड़ा सा टिंटेड रहेगा अच्छा लगेगा। अगर नॉर्मल वी कैन एक्चुअली गो फॉर दिस थिंग, ओके, येलो, देयर इज अ येलो टिंट आल्सो व्हिच इज पॉसिबल। ओह अच्छा, ऐसा वाला लुक आ जाएगा। हाँ, अच्छा, एस्टेक में भी मैट और ग्लॉसी दोनों आते हैं। अच्छा, तो अभी कौन कौन से टाइप के हैं वो भी बता दो मेरे को ताकि जिससे पता लगे। दोनों ही मैस्टिक में देख रहे हैं। ओके, एस्टिक में 10 ईयर्स वारंटी भी आता है, बट आई थिंक इफ यू लुकिंग फॉर 10 ईयर्स हम 10 ईयर्स भी ले सकते हैं, ये तो 5 ईयर्स वारंटी है। एस्टिक मैट 5 ईयर्स वारंटी ही रहता है। अच्छा, ग्लॉसी में 10 ईयर्स का है और इसमें वारंटी है, मतलब ओके। अच्छा, मतलब इसमें करेक्ट, ओके, गॉट इट। ओके, वारंटी भी बढ़ती है, थिकनेस भी इंक्रीज हो जाती है। ये देखो, अभी यहाँ पे पीपीएफ लगाएंगे। ये वाला पहले कौन सा लगा रहे हो, मैट? मैं स्टिक लगा रहा हूं। ओके, तो ये वाला लग रहा है मैट का, एस्टेक का जो मैट फिनिश में आता है। अभी ये लगने के बाद में आप लोगों को पता लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, इसको होल्ड करने में तो टाइम लगता है ना इसको? हाँ, तो इसको वाटर ड्राई होने में टाइम लगता है। आप क्या कहते हो, मतलब कौन सा अच्छा लगेगा इसमें, ग्लॉसी अच्छा लगेगा? मैट से और मैट हो जा रहा है ना ये? मैट से डल हो जाएगा। हाँ, मैट से डल हो जाएगा। ये भी डल फिनिश है, ये भी डल फिनिश है। तो ये और वैसे ही होगा। करेक्ट, वही देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा इसमें। ये एक्चुअली लुक ज़्यादा बेटर आ रहा है इससे, थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश में ना। करेक्ट, देखो ये इधर वाला जो है ये मैट फिनिश में है, ये थोड़ा सा डल कर दे रहा है इसको जो इसमें ग्लॉसी फिनिश है, बट ये वाला थोड़ा सा एनहेंस कर दे रहा पूरा कलर इसमें, कहाँ से लुक अच्छा आ रहा है। तो देखो, ये वाला एक पैच लगा यहाँ पे, ये है मैट फिनिश में, ये वाला जो लगा है ये ग्लॉसी फिनिश में, तो ग्लॉसी वाला थोड़ा सा लुक जो कलर है ना इसका एनहेंस कर दे रहा है, तो ये मेरे को तो ज़्यादा बेटर लग रहा है इस वाले गोल्डन पार्ट में। अभी ब्लैक वाले में भी देखते हैं कौन कौन सा है। ओके, तो हाफ गोल्डन में और हाफ ब्लैक में इसमें पता लग रहा है सही। मैट ब्लैक में, ब्लैक के ऊपर मैट ज़्यादा बेटर लग रहा है और ग्लॉसी में गोल्डन। अच्छा, ये ओके, ये तो हाँ ऐसा है ना, नहीं नहीं तो फिर वो इसको करना पड़ेगा, ये तो पूरा ग्लॉसी हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये तो स्टिकर है देखो, इसमें तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उतना, तो अगर वो कट करोगे तो फिर वो ख़राब दिखेगा, तो उससे बेटर है कि ये पूरे में ही ग्लॉसी, और उधर वाला अगर पार्ट रहेगा तो वो उसमें देखते हैं कौन सा बेटर है। मैं पहले सोच के आया था कि मैट में कराऊंगा, बट ग्लॉसी ज़्यादा बेटर लग रहा है। मैट में ऐसा लग रहा है कि हुआ ही नहीं है कुछ, है ना? हाँ, ये देखो, ये वाला ग्रे वाले पैनल में थोड़ा सा पूछना इसको, पता लगेगा। तो ये वाला मैट वाली फिनिश में हो गया, ये तो ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, हल्का सा डल हो गया है, और सेम चीज़ जैसा गोल्ड कलर में हुआ वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे फिनिशिंग जो है इसकी और लुक जो है एनहेंस हो जा रहा है इस कलर में, तो आई गेस आई विल गो फॉर दिस वन।
तो पूरे में ही फिर वो फाइनल करते हैं, पूरे में कौन सा ग्लॉसी वाला इसका वाइजर के लिए वो वाला भी, और यहाँ पे भी अगर येलो कलर का करा देंगे तो एक बार देखेंगे क्या? थोड़ा सा वो आएगा क्या चीज़ लाइट में, थोड़ा सा लाइट डल हो जाएगा। वो तो वैसे भी डिनाली लगाना, मैंने डिनाली लगवाऊंगा वो उस वाले का कुछ यूज नहीं है, वो ऐसी लाइट दी हुई है थोड़ी बहुत। वी कैन डू 25% रिडक्शन होगा ऑन द ट्रांसमिटेंस। ओके, मतलब अगर ये 100% अभी है तो 75% चमकेगी। अच्छा, लगा सकते हैं। और ये आप देख रहे हो क्या मैचिंग हो रही है कैलामेटा गोल्ड के साथ में, गोल्ड गोल्ड पूरा, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। एक्सक्लूसिव पीस है, ऑर्डर करना पड़ेगा। और कौन सा बोल रहे थे आप? और ये वाला कलर एग्जैक्टली सेम मतलब दिखेगा इसके ऊपर? नहीं, नहीं, कुछ अलग दिख रहा है ना लाइट। हाँ, ये देखो ऐसा। ओके, ऐसा दिखेगा, हल्का सा अंदर का करेक्टर विद येलो ह्यू। ओके, लुक तो अच्छा लग रहा है ये। नहीं, आई थिंक इट्स गोइंग टू लुक पर्पल है, पर्पल तो नहीं मैच करेगा आई गेस, हल्का सा टिंट है मगर ये मतलब मोर ऑन द ग्रेइश साइड से, बाकी तो पीपीएफ में तो ये दो है। करेक्ट। अच्छा, ब्लैक वाले में भी कुछ रहेगा क्या? ये मतलब हल्का सा जो अगर कितना 70-30 टाइप से रेशियो में ब्लैक पीपीएफ मतलब पूरा ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, पूरा ब्लैक है फिर तो कुछ फायदा नहीं है। ये अपना है मिरर क्या? अच्छा, ओके। वो फिर अच्छा नहीं लगेगा फिर तो इसका वो कुछ आगे आगे। हाँ, क्योंकि मतलब बाइक में ऐसा रहता है ना, एडीवी बाइक में अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मेरे को आगे गड्ढा अगर नहीं दिखा इसके थ्रू तो वो प्रॉब्लम है। वैसे येलो वाला कराने में आई गेस थोड़ा सा वो भी रहेगा, क्योंकि अभी वाला वाइट वाला लाइट है ना, वाइट वाला लाइट का क्या है कि अगर अपोजिट से लाइट आ रही है तो थोड़ा कम पता लगता है आगे वाली रोड, पता नहीं अब वो उतना डिफरेंस लगेगा कि नहीं, बट येलो लाइट बेटर होती है। दिस इज अबाउट द मतलब इनहेरेंट पार्ट जिसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई तो नहीं बोलेंगे, लुक चेंज कर रहे हैं, लुक एनहांस कर देगा भाई। हां, बस दैट्स अबाउट इट। ये देखो अभी मेजरमेंट चल रहा है यहां का पीपीएफ के लिए, पहले मेजरमेंट होएगा, उसके बाद में जितना पीपीएफ लगेगा उसके बाद में अपने को कॉस्ट पता लगेगी कितनी है। तो बेसिकली मैं तो जा रहा हूं एसटेक के लिए, एसटेक सबसे अच्छी ब्रांड है। जो भी आप लोगों का जो बेंड वाला पार्ट रहता है उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। एक एक कौन सा वो गरवारे रहता है ना, गरवारे का? हाँ, उसमें मतलब क्या चीज डिफिकल्टी आती है गरवारे का? थोड़ा चैलेंज ये है कि जब ये सारे बेंड्स और कर्व्स आते हैं तो उसमें वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। ओके, इट्स अ गुड पीपीएफ फॉर अ कार और समथिंग जहाँ पर फ्लैट सरफेस है, इट्स अ गुड पीपीएफ। बट ये करेक्टर फ्लैट नहीं होता, अगर इसको भी आप देखोगे तो वही पीपीएफ को अंदर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर अंदर जाना है, फिर फोल्ड होना है, फिर ये कर्व भी आ रहा है, इसको भी उसको सेटल करना है, कॉन्फर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम सिंगल शीट लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, पूरी सिंगल शीट जाएगी, उसी में हमको सेटल करना है। तो एसटेक हमको बहुत फ्रीडम देता है उस तरीके की फिनिश करने में। नहीं, मैंने एक्चुअली देखा था वो टाइगर में जो फिनिशिंग आई थी ना, वो मतलब ऐसे पानी गिरा रहे थे और वो पर्ल टाइप सा बन जा रहा था। हाँ, इतना मतलब अच्छी वाली फिनिश थी। और बाकी मैंने जितने पीपीएफ देखे ना वो मेरे को पसंद ही नहीं आए उसके बाद, मैं चंडीगढ़ से सोच के बैठा हूँ मेरे एसटेक ही लगवाऊंगा जो लगवाऊंगा। अच्छा, डस्ट वाला भी वो रहता नहीं? डस्ट वाला नहीं रहेगा, मगर एक बार आप वॉश करोगे यू विल गेट द कंप्लीट पक्का पूरा ग्लॉसी वाला आएगा। सेल्फी, यू हैव अ सेल्फी लिंग कैपेबिलिटी। अगर हम अपना गंदा कपड़े से क्लीन कर रहे हैं और लाइंस आ रहा है तो वो अप टू 10 माइक्रोन्स उसको हील कर देगा। अच्छा, पूरा 160 माइक्रोन्स का कंस्ट्रक्ट है, डेली का जैसे पहुंचने में उतना ही, उससे ज्यादा डैमेज होता भी नहीं होता। बट कभी आप ऑफ रोडिंग पे जा रहे हो और रेंज हो गया, मैं कभी ऑफ रोडिंग नहीं करता, मैं अपना चलाता हूँ बाइक रोड पे, थोड़ा बहुत हो गया तो ठीक है। हाँ, तो नॉर्मल करके करेंगे और जितना पानी डाल के रिंस करके क्लीन करेंगे उतना बेटर रहता है, उतना लॉन्जेविटी रहेगा। नहीं, बेटर यही रहता है, पता है गाड़ी महीने पर अगर गंदी रहने दो रहने दो, बट ऐसे कहीं पे भी साफ नहीं करवाना, अच्छे से करना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि अगर गंदी उसमें कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, जैसे कि बर्ड ड्रॉपिंग, पेंट, सीमेंट, बिकॉज़ वो फिर रिएक्शन करता है। अरे बर्ड ड्रॉपिंग वाला तो पूछो मत, जिस दिन गाड़ी साफ करेगी उसी दिन मिलेगी। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट था ये तो यहाँ से निकल गया। तो इधर पे क्लिप्स रहती है जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है। तो बेसिकली पीपीएफ का क्या है ना, यहाँ तक पूरा एंड तक होएगा, जो आप लोगों को ऊपर तक का पार्ट दिख रहा है तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, जो पूरा पार्ट है वो कवर रहे। तो ग्लॉसी वाले को थोड़े से बेंड करने में ये हो जाता है, यहाँ पे यहाँ तक पूरा कवर हो जाएगा तो बेटर रहेगा। अभी ये वाले में अलग से पार्ट में पैनल निकाल के हो जाएगा, ये मैंने थोड़ा सा इसका जो टैंक पैड है वो लगवा दिया था,
ये एनीवेज निकल जाएगा आराम से, इसके ऊपर भी पीपीएफ हो जाएगा, देन उसके दोबारा से 3M का टेप लगा के इसको चिपका देंगे। ऑलराइट जी, तो अभी हम लोगों को फाइनल कोटेशन मिल चुका है बाइक के पीपीएफ का। तो जैसा कि आप लोगों ने आज वाले ब्लॉग में देखा कि दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है गारवारे और एक एसटेक। तो एसटेक में जो है वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगा इवन मेरे को, मैं पहले से माइंड बना के गया था कि मैं एसटेक का ही करवाऊँगा, और जो अपना बाइक का रहता है वो स्पेशली एसटेक सही रहता है, क्योंकि उसमें जो फोल्ड वाला, जैसे मैंने आप लोगों को रीज़न बताया क्या रहता है, वो करवाऊँगा। एंड उसके बाद में जो हम लोगों के पास में गारवारे का ऑप्शन रहता है, गारवारे में सीन ये है कि अच्छा है, इंडिया में टॉप क्वालिटी है, बट इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है, तो जो सेल्फ हीलिंग वाला है वो भी है ऑप्शन, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वो लैक करेगा। एंड एसटेक का जो पीपीएफ है उसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मैं वो प्रेफर करूँगा, और ऊपर से सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप डेली अगर उसको कपड़े से पोंछ भी देते हो तो उससे ख़राब नहीं होएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी होती है जब भी आप अगर कोई बाइक का अगर पीपीएफ करा रहे हो एंड या फिर सिरामिक कोटिंग करवा रहे हो। तो सिरामिक कोटिंग मेरे को मतलब बाइक्स में तब कराना समझ में आता है जब पार्ट थोड़ा सा ग्लॉसी है एंड मतलब बजट थोड़ा कम है तो करा सकते हो, अदरवाइज़ पीपीएफ हमेशा बेस्ट रहती है। जैसे अंशुमन भाई ने बताया कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एसटेक आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, जिससे कि आप लोगों का जो बॉडी पार्ट्स जो रहते हैं बाइक के वो अगर टेढ़े होते हैं थोड़े बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स होता है उसको पीपीएफ करना, तो एसटेक हमेशा प्रेफर्ड रहती है आपका बाइक पीपीएफ जब भी अगर करा रहे हो। अदरवाइज़ अगर बाइक का पार्ट अगर थोड़े से प्लेन टाइप से भी है ना, तो आप गारवारे करा सकते हो, गारवारे इज़ इंडिया टॉप ब्रांड फॉर पीपीएफ, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, प्राइस थोड़ा सा आप लोगों को कम पड़ जाएगा उसका कंपेयरिंग टू एसटेक, बट जो एसटेक का जो फिनिशिंग है ना वो मेरे को लिटरली बहुत अच्छा लगा था। लास्ट टाइम मैं देखा था जैसे पीपीएफ किया था बाइक में, टाइगर आई थी एक ट्रायम्फ टाइगर, उसमें जो मैंने देखा था ना वो ब्लू कलर की थी, और जो डिटेलिंग करके जो उसका रिकवर किया वो सेकेंड हैंड बाइक थी, बट बिल्कुल भी लग नहीं रही थी, मतलब इतना अच्छा क्वालिटी का काम मेरे को ऑटो ड्रेस से मिला है। हमेशा ये चीज़ मेरे को हमेशा अच्छी लगती है, तो मैं ऑटो ड्रेस प्रेफर करता हूँ। बाकी और भी हैं काफ़ी सारे डिटेलिंग स्टूडियो, तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, फाइनल मैंने जो किया है वो एसटेक का किया है, अभी थोड़े उनके पास में ऑलरेडी काम आ रखा है, तो मैं मोस्टली जो है अपनी बाइक संडे को या फिर मंडे को ड्रॉप कर दूंगा, और मेरे को एक दो दिन में पीपीएफ होके मिल जाएगा। पीपीएफ को थोड़ा सेटल होने पर टाइम लगता है, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता है, इनिशियली एक दो दिन की बात है बस, उससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी सीन कुछ ऐसा रहेगा, मैं जैसे ही पीपीएफ करवाऊँगा उसके अगले दिन मिलेगा, उसके अगले दिन में ही, जिस दिन पीपीएफ होगा उसके अगले दिन में ही सेटल होके मिलता है, अच्छा खासा हो जाता है। और इसमें ग्लॉसी करा रहा हूँ तो ग्लॉसी का जो लुक है वो और एनहांस हो जा रहा है, जो उसमें गोल्ड कलर है, तो दोनों में ही ब्लैक पार्ट में भी जो साइड में ग्रे कलर का पैनल है उसमें भी मैं वही करा रहा हूँ, ग्लॉसी फिनिश में एसटेक का करा रहा हूँ, और जो अपना जो गोल्ड कलर का पार्ट है उसमें भी ग्लॉसी फिनिश करा रहा हूँ। बाकी जो मैं येलो वाला आप लोगों को दिखाया, येलो वाले का सीन ये है कि अभी अवेलेबल नहीं है, 40-50 मीटर्स का लेना पड़ेगा, तो अभी अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो या तो मैं जो ग्लॉसी फिनिश वाला ही जो है पीपीएफ वो करवा लूँगा, अदरवाइज़ देखेंगे क्या ऑप्शन है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताना, इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ इंस्टाग्राम आई डी इज़ नदीम अलवी ब्लॉग्स, कुछ भी क्वेश्चन है वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।